सत्येंद्र पाल सिंह अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष क्रॉसिंग भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद वार्ड नंबर 35 अकबरपुर हरामपुर नगर निगम गाजियाबाद से नगर निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता दीक्षा कुलश्रेष्ठ से खास बातचीत की, आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आज हम मौजूद है अकबरपुर बहरामपुर वार्ड नंबर 35। आज हमारे साथ है किसान मोर्चा बीजेपी से पूर्व पार्षद प्रत्याशी, आइए उनसे बात करते हैं और उनका सबसे पहले मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सर, मैं जानना चाह रही थी अभी जो हमारा बीते कोरोना काल हमारा गया है उसमें आपकी क्या क्या सेवाएं रही हैं? कोरोना काल के समय हम अपने वार्ड में सभी लोगों से जुड़े रहे, सब लोगों को हमने सुखा राशन के वितरण कराया, अपने घर से ही भंडारा हमने चला के घर घर भोजन पहुंचाने का कार्य किया और संपूर्ण वार्ड को हमने सैनिटाइज कराया। लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जैसे रोड पे निकलते थे उनको भी भोजन वितरण कराया, हमने अपने हमारा मकान ही रोड पर है तो यहाँ भी हमने भंडारे चलाए और लोगों की जो भी उचित मदद हो सकी, किसी को चप्पल पहना है पहनाया, किसी को जूता पहनाया, सबको पूरी तरह मदद की। हम जैसे वो हम हर साल ही करते रहते, कोरोना का तो अलग था, वैसे मुझे अलग था, जैसे सर्दियां आती है तो सॉल वॉल बंटवाने का कार्य करता रहे धार्मिक स्थलों को, जैसे भागवत हो रही है तो वहाँ सॉलें बंटवा रहे, जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना किसी को लोही दे दी, अंदरूनी काम चल रहा है, कई राजनीति सेक्टर जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा उनकी सहायता करते हैं, जो उनकी जरूरत है उनकी उनको पूरा करते हैं। हमारा ये जो वार्ड है लगभग जब से ही कॉलोनी बसनी शुरू हुई है उसी समय से निगम में, निगम में होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारी समस्याएं आज भी है, क्योंकि यहाँ जो भी पार्षद बने उन्होंने कोई वर्क नहीं। शुरू में यहाँ पार्षद थे हमारे सत्ता यादव सबसे पहले कष्ट हुआ, उसके बाद में बनी यहाँ पे दोबारा हमारे जो महिला थी विजयनगर में सतपाल जी की मदद में सुशीला गौतम, उन्होंने भी कुछ वर्क नहीं किया। सतपाल जी ने तो भी 10-5 रस्ते रस्ते लगवाए थे, उसके बावजूद फिर मुकेश कवारी बने, उन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया बाद में। उसके बाद ये पिंटू यादव जी बने, ये यहाँ से गायब ही हो गए, 5 साल वार्ड में ही नहीं आए, लोगों की कोई राजनीति नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने घर के दरवाजे तक नहीं खोले लोगों की तो अच्छा। उसके बाद हमारे पार्षद बने बिल्कुल मौजूदा पार्षद, ये चुनाव लड़ने पार्षद बने, ये भी अपना इन्होंने राजनीति को बिजनेस बना दिया, ये अपना पीएम आवास योजना के लोगों से 60-60 हजार रुपए करते रहे, इन्होंने मतलब कोई वर्क नहीं किया। जैसे ये सीवर लाइन की जरूरत थी लोगों को, पीने के पानी की जरूरत थी, कोई सामुदायिक भवन नहीं है उसकी जरूरत थी, बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, या कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा बच जाता, जैसे यहाँ हमारे वार्ड 2 में LMC खाली हुई थी तो वहाँ भी अगर चाहते तो छोटा मोटा हॉस्पिटल आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई विकास का इन्होंने कार्य नहीं किया। 10-5 गली जरूर बनाएंगे, वो भी अपने आसपास बनाएंगे, विकास का कोई कार्य नहीं किया, लोगों के साथ मारपीट दंगा फसाद यही करते हैं। जो मौजूदा भी पार्षद है तो उन्होंने कई जनता से जरूरतमंदों से 60-60 हजार रुपए लिए, तो उन्होंने कोई कार्यवाही के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई किसी को उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता? कंप्लेंट करनी है लोगों ने, जेल भी गए, मुकदमा भी लिखा गया, तो हम लोगों से शिकायतें भी हुई है, सारी चीजें हुई है, जेल भी गए, लोगों ने बहुत बार शिकायतें की है, मीडिया में भी चलते रहे चर्चे, आगे की प्रतिक्रिया क्या है? तो इसलिए चलते आपसे बहुत सवाल करते हैं कि आगे की क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आगे क्या होना चाहिए और क्या प्रतिक्रिया है, क्या रणनीति? मैं जुड़ा रहा हूँ जनता के बीच में, रहा हूँ,
लोगों की समस्याओं में, जिन उन लोगों से इसने पैसे ठगे थे उनकी मैंने मदद की है, इसके मुकदमा लिखवाया मैंने, जैसे भी गया उसने, उसके बावजूद मैंने यहाँ रोडा सोडा से मतलब नगर विकास मंत्री थे हमारे सुरेश खन्ना जी, माननीय जनरल वी के सिंह जी के पत्र पे मैंने यहाँ 35 गलियों का कार्य कराया, इस बार 35 गलियां जनरल वी के सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके पत्र पे मैंने सुरेश खन्ना जी के होटल से ऐसा कर नगर विकास मंत्री। अब दोबारा से मैंने जनरल वी के सिंह जी के लेटर पे मैंने फिर 32 गलियों का प्रस्ताव भिजवाया और वो 32 गलियां भी बनेंगी। हमारा उस क्षेत्र में लगता है जिस कॉलोनी का पंकज सिंह और महेश शर्मा जी के क्षेत्र में लगता है, वहाँ भी हमने 25 गलियां और मैन रोड सीसी बनाया। तो ये काम कब कराया? ये इस पंच इसी पंच वर्षीय में हमने काम कराया, जो ये कार्यकाल का इस वजह काम कराया। और भी हम अतुल जी से भी 4-5 गलियां हम अतुल जी से भी कराए, तो हमारे विधायक तो कहने का मतलब है काम हम अपने स्तर से कराए, हम जनता के बीच में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता के बीच में नहीं, मतलब आपका कहना ये लोगों से ठगी के अलावा कुछ नहीं, मौजूदा पार्षद ने सिर्फ ठगी की है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करवाया, अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं करवाया। तो क्या लगता है कि अब जनता आगे उनको अपना पार्षद चुनेगी? मुझे तो नहीं लगता, लोगों को सभी लोग जागरूक हैं और उसका विरोध नहीं। चलिए देखते हैं अब कि क्या इस योजना में फिर से जो मौजूदा पार्षद है उनको फिर से प्रत्याशी बनाएगी जनता, या फिर देखते हैं उन्हीं का रिजल्ट